ओ हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम महिंद्रा की तरफ से आने वाली स्कॉर्पियो में बैठे हैं और हम गाड़ी को चला रहे हैं। तो चलाने का क्या मतलब है भाई, ड्राइव एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आज हम इस गाड़ी का 0 to 100 करके देखने वाले हैं कि 0 से लेकर 100 की स्पीड में ये गाड़ी कितने सेकंड में जाती है। इसमें 3 मोड आते हैं, जिप जैप और जूम। क्या वो जिप जैप जूम कामयाब हैं? ऐसा तो नहीं कि वो खाली फर्जी लगा रखे हैं कि हाँ भाई 3 दे दिए बटन और हम अपना नाम भी हो गया कि हाँ मोड़ दे रखे हैं और काम किसी के वो आते नहीं है। तो वो चीज़ आज हम देखने वाले हैं भाई इसमें गाड़ी में 0 to 100 इस गाड़ी का करके देख के। अभी हमने जैप में डाल रखी है, आप इसको जिप से शुरू करते हैं, मतलब कि इको मोड से हम इस गाड़ी का 0 to 100 शुरू करेंगे। जिप में देखो ये गाड़ी डल गई है और यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी आ गई हैं, तो यानी कि ये इसका इको मोड है। जैप इसका नॉर्मल मोड है, जूम इसका पावर मोड है। तो इको, नॉर्मल, पावर तीनों मोड्स में हम डाल के देखेंगे। डी में ही हम गाड़ी को रखेंगे भाई, क्योंकि जब ऑटोमेटिक गाड़ी ली है तो बंदा उसको ऑटोमेटिक में ही 0 to 100 ट्राई करने की कोशिश करेगा। तो करते हैं भाई, यहाँ पे लगाते हैं अपना। बहुत बहुत प्यार से चढ़ जाएगी 100, तो यहाँ पे हद प्यार से। तो यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई, लॉन्च करूँगा भाई पूरी प्रॉपर गाड़ी को, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ट्रैक्शन आपका यहाँ से ऑफ हो जाता है, एसी आपका ऑफ हो गया है। डी में मैंने ये गाड़ी डाल दी है, देखता हूँ कितनी जाएगी। ये जा रही है 1700। तो 3 2 1 आपकी स्क्रीन के नीचे टाइमर है, ठीक है। जिप में पता चल रहा है कि हाँ जिप में हूँ मैं। स्क्रीन के नीचे टाइमर है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती चली जा रही है, चढ़ती ही चली जा रही है भाई। और चढ़ी 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 और भाई आपका टच, आपकी स्क्रीन पे भाई टाइम आ गया कि कितने सेकंड में 0 से लेकर 100 की स्पीड में चढ़ी है। ये भाई आपका जिप मोड था, जिप मोड था भाई आपका। अब हम जैप में डालेंगे, मतलब जो इसका नॉर्मल मोड आता है उसमें अब हम गाड़ी को डालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ परफॉर्मेंस निकल के आती है और क्या नहीं। तो चलो जी, जैप में डालते हैं। एसी भाई हमारा हमेशा की तरह ऑफ है, हम एसी ऑन नहीं कर रहे हैं इस राउंड में भी। ट्रैक्शन ऑफ, 60 के ऊपर ऑन हो जाता है भाई ये, और डल गई है जैप में। सेम हम वैसे ही लॉन्च करेंगे, जैप है भाई यानी कि इसका नॉर्मल मोड। हाँ, अब थोड़ी सी गाड़ी की आवाज़ में फर्क आया है। 3 2 1 आपकी स्क्रीन के नीचे टाइम है। जैप बताते हैं कि मैं जैप हूँ। 60 80 और भाई ये चढ़ गई आपकी 100 टच। तो आपकी स्क्रीन के नीचे टाइम आ गया भाई, वहाँ पे आपने देख लिया कि कितने सेकंड में ये गाड़ी 100 की स्पीड पे चढ़ी है। अब करेंगे भाई इसको जूम मोड में, मतलब कि जो इसका फुल पावर निकालने वाला मोड है उसमें करेंगे अब हम इसको। फिर देखते हैं कि क्या कुछ फ़र्क रहता है और क्या नहीं, मतलब कि इसका जो पावर मोड है वो। चलो जी, जूम में डाल दिए हमने। इस गाड़ी, इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं, मतलब टाटा सफारी ले लो उसमें भी मोड्स आते हैं, इनोवा क्रिस्टा ले लो उसमें भी मोड्स आते हैं, और जितनी भी ये गाड़ियां हैं इन सब में भाई मोड्स आते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि ये जूम मोड में कैसा काम करती है। मेरे हिसाब से भाई इन, वो जो आप बोलते हो ना, इनहिबिटेड क्या है, वो हो गया, डैश डैश आ गया वहाँ पे, हो गया डैश डैश। हाँ, ऐसी करती है भाई, है ऐसी करती है ना, बंद करके एक बार ऑन कर लेना। रुको, ये कर दी हमने। अच्छा, पी पे ही ऑफ होएगी। ये कर दी भाई हमने ऑफ। 2 मिनट बाद, मतलब 10-12 सेकंड रुक के करना। अब रुको, अभी डैश डैश ही है। ये बड़ी है यार, ये चीज तो है, ये महिंद्रा का ना ये चीज है। अब भाई पहली बात तो खाली दो पावर और इको के भी बटन दे देते ना तो भी बढ़िया हो जाता है। ये क्या टक टक करने का वो दे दिया, और 700 में तो भैया इसमें से ही करना पड़ता है। वो ड्राइव मोड वैसे नहीं लगता उसमें। हाँ चलो, पहले एसेसरी पे डालता हूँ गाड़ी को। अब हो गया, जैप आ गया लिखा हुआ, और अब ब्रेक दबा देता हूँ। चलो जी, जैप मोड है, यहाँ पे आपको देख लिया। स्क्रीन के नीचे आपकी टाइमिंग्स है, वहां पे देखते हैं कि कितने सेकंड में चढ़ती है। ट्रैक्शन गाड़ी का ऑफ है भाई, जूम मोड लग गया है। जूम लिखा नहीं आ रहा भाई, जूम मोड तो है लेकिन जूम लिखा नहीं आ रहा। अब मोड ही नहीं लग रहे हैं। नहीं, लग गए लग गए लग गए, वो थोड़ा जूम स्टार्ट हुई है ना, जूम लिखा नहीं आ रहा। और साइड में लगाओ जरा। साइड में लगेगी क्या? फिर वो डैश हो गया। अबे यार क्या है ये यार, ये चीज तो समझ से बाहर है भाई। अब अगली बार जाऊंगा सर्विस पे, दिखाऊंगा फिर। ये चीज सच में समझ से बाहर है भाई, सच्ची में। अब ऐसे में अगर मान लो किसी के आपके साथ हाईवे पे रेस लग गई तो
ये भाई पता कब होता है, जो ऐसे लॉन्च वॉन्च करते रहे अग्रेसिवली तब होती है यार। ऐसे क्यों, हम तो लॉन्च करेंगे करेंगे, पता नहीं क्या है इसमें। अब कोई बंदा यार ऐसे थोड़ी देखेगा कि मैं लॉन्च ना करूं, लगता है इंजन पे जोर ना पड़े ज्यादा इसलिए उन्होंने दे रखा हो। पर ऐसा होना, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कोई चलते चलते तो जब मर्जी कर लो। और क्या, जैप लिखा आया है, देखो अभी भी लिखा है, एसेसरी पे है ना गाड़ी। सीधा स्टार्ट करो, सीधा स्टार्ट करो, एक बार बंद कर दो, पहले बंद कर दो, अब सीधा ब्रेक दबा के स्टार्ट करो जैप। अब एक मिनट रुको, बस करने दो इसका, इसका एकदम टिकड़म हो गया सारे, एकदम टिकड़म जैप मोड एक्टिवेटेड भी लिखा आ गया। बस एक सेकंड, अब लग गई जूम, अब कब करो, अब आई में आ गया। लेकिन ये चीज तो गलत है रोहन भाई, मैं क्या कर सकते हैं यार, जस्ट महिंद्रा थिंग्स है ये, जस्ट महिंद्रा थिंग्स है ना, ठीक करनी चाहिए इन लोगों को। एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑन है, करते हैं भाई, लगाते हैं बीचों बीच गाड़ी को और करते हैं 0-100 का टेस्ट। ये तो चला जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जूम में है भाई ये देख लो, मतलब कि पावर मोड में है ये गाड़ी, ये अपनी फुल पावर निकालेगी इस मोड में, सो तो बहुत प्यार से चढ़ जाएगी। लो जी डी में डाली, लॉन्च करूंगा सेम वैसे ही, गाड़ी में और फर्क है आवाज में। हाँ, बढ़िया भाग रही है भाई। और अरे भाई अब तो पावर आई है भाई गाड़ी में, अब तो भाई भरपूर पावर आ गई। और जी टच, बहुत जल्दी पहुंच गई, बहुत सही पहुंच गई। ये तो ट्रैक्शन ऑफ था, एसी भी ऑफ था, ये दोनों चीजें ऑफ थी, इसमें आपने देखा कि बहुत प्यार से चढ़ गई भाई, मक्खन मलाई की तरह चढ़ गई भाई ये गाड़ी। ऐसे कोई दिक्कत आई ही नहीं हमको, 100 मीटर में 4 किलोमीटर की रेंज कम कर दी भाई साहब। ओ भाई ये चीज है भाई, बाकी पूरा कामयाब है भाई, मेरे को तो लगता नहीं है कि इसमें कोई भी कमी है, पूरा भरपूर कामयाब है भाई ये। तो गाइज यही कुछ वीडियो थी आपकी, 0-100 आपको तीनों उसमें दिखाना था मेरे को मोड्स में, यही कुछ वीडियो थी गाइज। देखा आपने कि हमने सारे मोड्स में करा और बहुत ही भरपूर इसने वो करा परफॉर्म। अभी जैसे कि इस गाड़ी में भाई हिल डिसेंट कंट्रोल आता है, ये रहा ऑन हो गया, तो ये चीज़ है भाई। तो यही कुछ वीडियो थी गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। यहाँ तक देखिए बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो महिंद्रा से देख रहा है, अगर ये इसी इसमें पीस में गलती है तो आप ठीक करो, और अगर सब में है तो आपकी ये गलती है, फिर ये आपकी गलती है। बाकी भाई जो जो भाई स्कॉर्पियो ऑन करता है एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये आ जाता है इनहिबिटेड, क्या कहते हैं इसको, इनहिबिटेड जो है, इनहिबिटेड ये आ जाता है क्या, तो बताना भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।